नमस्कार, मैं प्रिया। आज 21 मार्च, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों को वापस ले सकती है बिहार सरकार। 20 जिलों में बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। दिव्यांग यात्रियों के लिए अब जल्द ही बिहार में शुरू होगी CNG बस की सुविधा। संविदा कर्मी कार्यपालक सहायकों को नीतीश सरकार ने दिया तोहफा। भारत ने 3-2 से सीरीज पर किया कब्जा। अब खबरें विस्तार से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने निकाली रिक्तियां। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डिजाइन और प्रबंधन प्रशिक्षु के कुल मिलाकर 100 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट HAL-India.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। कैमूर जिले के करकटगढ़ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार पर्यटन स्थल के लिहाज से काफी प्रसिद्ध माना जाता है। वहीं आज हम आपको कैमूर जिले के करकटगढ़ जलप्रपात के बारे में बताएंगे। गुमनामी का दंश झेल रहा करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के पर्यटन सूची में शामिल हो गया है। आज यह लोगों का पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है। कैमूर जिले के अलावा दूसरे जिले और प्रदेश के लोग भी आते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता, जलप्रपात, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र आदि देखकर किसी का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। करकटगढ़ जलप्रपात का नजारा मन को मोह लेता है। बिहार में जमीन दाखिल खारिज की प्रक्रिया को किया जाएगा दुरुस्त। बिहार सरकार जमीन मामले की समस्या को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही अधिकारियों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए ही नए कानून को तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत अब लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की तैयारी हो रही है। जिसके तहत ही अब दाखिल खारिज मामले को लेकर नियमों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही नए व्यवस्था के तहत अब CO आसानी से म्यूटेशन की अर्जी भी खारिज नहीं कर पाएंगे। बिहार सरकार जल्द ही नई व्यवस्था सामने ला रही है। इसके तहत अब अंचलाधिकारियों को किसी भी रैयत की जमीन के दाखिल खारिज की अर्जी को आसानी से ठुकराना आसान नहीं होगा। अब उन दस्तावेजों को जमा करने के लिए आवेदक को 7 दिन का समय देना होगा। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए बिहार में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना के मामले में हो रही वृद्धि को देखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी, जिसके तहत उन्होंने बैठक के दौरान बिहार में 70% जांच को RT-PCR के माध्यम से करवाने की बात कही। इसके साथ ही कई दिनों से स्कूल बंद करने को लेकर भी सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही थी, जिसको लेकर भी सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल अभी बंद नहीं करवाए जाएंगे और लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते माहौल में लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी है, साथ ही मास्क जांच अभियान की शुरुआत करने की भी बात कही है। इसके साथ ही भी पर्व, उत्सव या फिर आयोजन में सीमित संख्या में ही लोगों को शामिल करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की बात भी कही गई है। लॉकडाउन उल्लंघन के मामलों को वापस ले सकती है बिहार सरकार। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की हिदायत सभी को दी गई थी। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया था उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि अब बिहार सरकार ने इन मामलों को वापस लेने पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। इसको लेकर आदित्य नारायण पंडित ने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से प्रस्ताव लाया था कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना के केंद्र एवं राज्य के निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर हुए मुकदमों को वापस लिया जाए। इसको लेकर ही प्रभारी मंत्री ने भी इस मामले में विधि विभाग और सभी जिलों के DM से पत्राचार किया है। कपिल देव की मौजूदगी में बिहार क्रिकेट लीग का हुआ आगाज। बिहार में शनिवार से क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। बीते दिन से शुरू हुए इस बिहार क्रिकेट लीग को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे सूबे में खास उत्साह देखने को मिला। इस टूर्नामेंट की शुरुआत राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में हुई, जिसका उद्घाटन भारत को विश्व कप दिलवाने वाले कपिल देव और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने किया। जिसके बाद बीते दिन पहला मुकाबला अंगिका एवेंजर्स और पटना पायलट्स के बीच देखने को मिला, जहां पटना पायलट्स को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, यह टूर्नामेंट 26 मार्च तक जारी रहने वाला है। बिहार में गेहूं चावल के भंडारण की अब होगी अलग व्यवस्था। बिहार में खाद्यान्नों की बर्बादी को रोकने की पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हाल ही में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपनी बात कही है। इसको लेकर कैमूर के मोहनिया और बक्सर के इटाढ़ी में सार्वजनिक निजी भागीदारी में 1,00,000 टन क्षमता के सॉयलेज यानी कि स्टील के बड़े भंडारण टैंक का निर्माण करवाया जा रहा है, जिस पर 65,28,00,000 रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा है कि दोनों स्थानों पर 50,000 टन क्षमता के सॉयलेज का निर्माण किया जा रहा है। इनमें गेहूं के लिए 37,500 टन और चावल के लिए 12,500 टन का भंडारण होगा। गेहूं के भंडारण के लिए सॉयलेज का इस्तेमाल देश में पहले से ही हो रहा था, लेकिन चावल भंडारण के लिए पहली बार कैमूर और बक्सर में सॉयलेज का निर्माण किया जा रहा है।
20 जिलों में बारिश को लेकर जारी किया गया अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज अब बदलता नजर आ रहा है। राज्य के अधिकतर भागों में पिछले एक सप्ताह से पछुआ हवा का प्रवाह देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों की बात करें तो अचानक से पछुआ हवा की गति में भी तेजी आई है, जिससे कई जिलों के अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके साथ ही पटना साहिब सूबे के 20 जिलों में शनिवार के साथ साथ आज यानी कि रविवार को मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आएगा। आंधी और गरज के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। वर्तमान में पड़ोसी देश बांग्लादेश के चक्रवात बना हुआ है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश के चक्रवात के कारण ही बिहार में बड़ी मात्रा में नमी आ रही है। अब शहरों की तरह गांव की भी होगी सफाई। अब शहरों की तरह गांव में भी सफाई का खास ध्यान दिया जाएगा। खबरों की माने तो नगर निकायों की तर्ज पर अब पंचायत ने भी सफाई कर्मियों को रखा जाएगा, जो वहां सड़क गलियों की सफाई के साथ साथ पशुओं का भी प्रबंधन करेंगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायतों में सफाई कर्मियों की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने कहा है कि ये सफाई कर्मी सफाई के अलावा जान गंवाने वाले पशुओं के अपशिष्ट प्रबंधन का काम भी करेंगे। इसके लिए पशुपालन विभाग से भी सहयोग लिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार विद्यापीठ परिसर के व्यावसायिक उपयोग अन्य शिकायतों की जांच का जिम्मा विधान परिषद की कमेटी को दिया गया है। बिहार में बिजली दरों पर निर्णय होगा अगले सप्ताह। वित्त वर्ष साल 2021-22 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, ये संकेत बिहार विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से लिए गए ताजा निर्णय के आधार पर मिला है। हालांकि आम उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों पर निर्णय अगले हफ्ते आने की संभावना जताई जा रही है। आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के टैरिफ पिटीशन पर निर्णय सुनाया है। लगातार तीसरे साल बिजली के दरों में बढ़ोतरी नहीं होने पर इसका फायदा राज्य के करीब 1,60,00,000 बिजली उपभोक्ताओं को होगा। साथ ही कृषि सहित विशेष श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष छूट मिल सकती है। संविदाकर्मी कार्यपालक सहायकों को नीतीश सरकार ने दिया तोहफा। संविदाकर्मी कार्यपालक सहायकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। होली से पहले ही सरकार ने बिहार के ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों को बड़ा तोहफा देने का काम किया है, जिसके तहत सरकार ने ग्राम पंचायतों में संविदा पर कार्यरत कार्यपालक सहायक की सेवा अवधि 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके अनुसार अब इनकी सेवा 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अब सीओ नहीं बल्कि जाति प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी होगी इनकी। हाल ही में लोक सेवा का अधिकार कानून में राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। आरटीपीएस का उपयोग सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र में ही किया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए ही इन सेवाओं को ज्यादा सुलभ और सरल बनाते हुए जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ देने की तैयारी हो रही है। इसके तहत अब सीओ के स्थान पर राजस्व पदाधिकारी को ही जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार होगा। हालांकि प्रमाण पत्रों को बनवाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ सीओ के जगह राजस्व पदाधिकारी हस्ताक्षर प्रमाण पत्र पर होने वाले हैं। दिव्यांग यात्रियों के लिए अब जल्द ही शुरू होगी बस की सेवा। राजधानी पटना में दिव्यांग यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सीएनजी बसों का परिचालन होने वाला है। राज्य सरकार के इस खास पहल से बिहार के शहरों की सड़कों पर दिव्यांगों के लिए अलग ही बस की सेवा दी जाएगी। इस परियोजना को पूरा करने के लिए ही परिवहन विभाग ने 20 सीएनजी विकलांग अनुकूल बसों की खरीदारी के लिए सेंटर जीईएम पोर्टल पर बोली की शुरुआत कर दी है। सभी बसों के विपरीत इन बसों में दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही 3 दरवाजे होंगे, जिसके तहत एक आगे, एक बीच में और एक पीछे, जिनमें से एक दरवाजे को हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ लगाया जाएगा, जिससे दिव्यांग यात्रियों को बस से उतरना और चढ़ना आसान हो जाएगा। बिहार में इस साल फिर से होंगे एमएलसी चुनाव। बिहार में इस साल एक बार फिर से एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। विधान परिषद की 24 सीटों पर जून जुलाई महीने में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधान परिषद की 24 सीटों का कार्यकाल 16 जुलाई 2021 को खत्म हो रहा है, इसके पहले चुनाव होंगे। हालांकि ये सभी सीटें लोकल बॉडी से यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से भरी जानी है। इस चुनाव में आम वोटर नहीं बल्कि पंचायत प्रतिनिधि ही मतदाता होते हैं। मुखिया, सरपंच, जिप सदस्य, वार्ड सदस्य जैसे प्रतिनिधि वोटिंग के माध्यम से विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। कोरोना को लेकर सभी 533 पीएचसी में कोरोना जांच को लेकर की गई विशेष तैयारी। बिहार में कोरोना के रोकथाम को लेकर खास तैयारी की जा रही है, जिसके तहत बिहार के शहरों में कोरोना के रोकथाम को लेकर तैयारी तो शुरू है ही, अब बिहार के गांव में भी कोरोना के रोकथाम के लिए विशेष तैयारी कर ली गई है, जिसके तहत कोरोना के विस्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सभी पीएचसी सेंटरों में मेडिकल टीम का गठन कर दिया है। हर टीम में एक चिकित्सा पदाधिकारी के साथ 3 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। राज्य भर में प्रखंड स्तर पर फिलहाल 533 पीएचसी है।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन करने का आखिरी मौका। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया था। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bspcb.bih.nic.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 36 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की तरफ से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ही आवेदन करें। नियमानुसार किया गया आवेदन ही मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में गलती या फिर कमी पाए जाने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सहायक पर्यावरण इंजीनियर के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। साथ में 2 साल काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। उप मुख्यमंत्री ने दिखाई प्रदेश के विकास की झलक। बिहार के लोगों के लिए बीते दिन इवेंट जिक मीडिया ने टॉक शो का आयोजन किया था। इस दौरान पूरे विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली 25 बिहारी को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मुख्य उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार को विकसित बनाने के मौजूद सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में बड़े उद्योग की स्थापना हो रही है। जल्द ही एथेनॉल द्वारा बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के नाम लिखा खुला पत्र। बिहार दिवस को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के नाम पर एक खुला पत्र जारी किया है। बिहार की उन्नति और खुशहाली में योगदान को लेकर बिहार दिवस पर बधाई भी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पत्र में कहा है कि मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि महिलाएं जो हमारी आधी आबादी है उनकी जब तक सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी नहीं होगी तब तक बिहार और देश की प्रगति नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोगों ने पिछले 1.5 दशक में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए खूब सारे काम किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने साल 2006 में जीविका की शुरुआत की थी। उसी दिन हमने ये तय कर लिया था कि बिहार में 10 लाख जीविका समूह का गठन हो। बेरोजगारी को लेकर 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे तेजस्वी। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मेरा बिहार के युवाओं को पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख स्थायी नौकरी देने का संकल्प था। सत्ता का दुरुपयोग सरकार ने किया है। इन्होंने जबरदस्ती हमें 15 सीटों से हराकर सरकार में आपकी सेवा करने पर रोक लगाई है, लेकिन मेरे इरादे को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि 23 मार्च को युवाओं के साथ मिलकर हम पटना के विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। आइए जात पात धर्म और पार्टी के ऊपर उठकर हम बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद करें। आरके सिन्हा ने बिहार का नाम अपमानित नहीं करने की कही बात। भाजपा के संस्थापक सदस्यों और पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने हाल ही में संविधान का मजाक उड़ाने और अपमानित करने वाले विधायकों को 2 टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुझे यह जानकारी मिली है कि बिहार विधानसभा में किसी उत्साही युवा विधायक ने पुलिस विधेयक को फाड़ कर फेंक दिया था। पहले तो विधेयक को फाड़ने का सिलसिला राहुल गांधी ने लोकसभा में शुरू किया था, जो लोकतंत्र की बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि लोकतंत्र का मूल तत्व है कि वो संविधान से ही आता है और विधेयक का फाड़ना संविधान का ही घोर अपमान है। सुशील मोदी ने तेजस्वी पर शायराना अंदाज में कसा तंज। बीते दिन भाजपा प्रदेश कार्यालय में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रदेश कार्य समिति का आयोजन करवाया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान सुशील मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। तेजस्वी खुद चार्जशीटेड है और वे बेल पर है, ऐसे में नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उन पर भी कई संगीन मामले दर्ज हैं और लालू यादव फिलहाल जेल में हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। कोलकाता में 1836 में पहले सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत आज के दिन हुई थी। अब इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सैनिकों ने 1858 में लखनऊ में आत्मसमर्पण आज के दिन किया था। मुंबई में 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना आज के दिन हुई थी। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 1971 में अपना पहला टेस्ट शतक आज के दिन लगाया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर धारा 352 के तहत काल की घोषणा की थी। 1978 में बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जन्म आज के दिन हुआ था। 1916 में महान शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म आज के दिन हुआ था। आज के दिन को विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस और विश्व कठपुतली दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
लोजपा में बदलाव को लेकर चिराग ने लगाई मुहर। बिहार विधानसभा में मिली करारी हार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी बदलाव की तैयारी में जुट गई है, जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर हाल ही में पूर्व विधायक राजू तिवारी ने भी अपना खाका तैयार कर लिया है। इनके प्रस्ताव पर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी अपनी मुहर लगा दी है, जिसके तहत संगठन में 60-70% तक बदलाव किया जाएगा। अधिक से अधिक युवाओं और महिलाओं को जिम्मेवारी और पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण पद दिए जाएंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए सबसे पहले बूथ स्तर पर काम किया जा रहा है। हर बूथ पर महिलाओं को जोड़ने के साथ ही एक दो महिला को वहां की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी इन सेवाओं को लाया जाएगा आरटीएस के दायरे में। बिहार में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कुछ सेवाओं को आरटीएस के दायरे में लाने का आदेश जारी किया गया है। इसमें एलोपैथिक, आयुष, कॉस्मेटिक और ब्लड बैंक के निर्माण या नवीनीकरण के लिए लाइसेंस राज्य औषधि नियंत्रण 30 दिनों में जारी करेंगे। इस तरह से एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी समेत अन्य दवाओं की बिक्री और वितरण के लिए लेने वाले लाइसेंस में भी यही नियम लागू होंगे। दरअसल बिहार सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम आरटीएस कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बदलाव में इसके तहत आने वाली सेवाओं को और सुलभ बनाया गया है। भारत ने 3-2 से सीरीज पर किया कब्जा। अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के T20 मुकाबले को भारत ने 36 रनों से जीत लिया है और सीरीज को 3-2 से अपने कब्जे में कर लिया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 225 रनों का टारगेट दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जेसन रॉय को पवेलियन भेज दिया। उसके बाद डेविन मलान, जोस बटलर भारतीय गेंदबाजों पर अटैक करते हुए तेजी से स्कोर को 60 के पार ले गए। हालांकि भारतीय टीम कुछ समय के लिए दबाव में जरूर आ गई थी, मगर इंग्लैंड को हराने में कामयाब रही। आपको बता दें, बीते दिन खेले गए मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत के लिए ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों आए थे। दोनों ने इंग्लैंड गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। रोहित शर्मा ने 34 गेंदों का सामना करते हुए 64 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने 80 रनों की शानदार पारी खेली। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रविंद्र पासवान, सोनू कुमार, दिव्यांशु कुमारी, साहिल कुमार, गुड्डू कुमार, प्रिया रंजन, रमिता कुमारी, साहिल ठाकुर, अजिमा फिरदौस, प्रिया कुमारी, विवेक कुमार, रूपेश कुमार, जुगेश कुमार, रंजीत शाह, बलिंदर कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आईपीएल में आपकी सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है? हमें अपने जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।